नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जामिया नगर नथमलपुर में हिस्ट्री टीचर की 5 अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर की गई हत्या। एसपी सिटी ने कहा घटना के खुलासे के लिए बनाई गई है 3 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम मऊधर मंगल गांव में हुई घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त भगवान दास को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी ने कहा वांछित अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। गोरधैया नाले का तेजी से करवाया जा रहा है कार्य। नाले के दोनों तरफ नागरिकों को टहलने के लिए बनवाया जा रहा है वॉकिंग ट्रैक। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय चौराहे के पास प्रशासन द्वारा संचालित बस स्टैंड पार्किंग का किया निरीक्षण। स्टैंड के ठेकेदार को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने जिला अस्पताल व महिला जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, चेक किया ड्यूटी रजिस्टर। अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन किया बाधित। एक किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त बादल चौहान को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज का लगवाया गया कैंप। अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगवा कर अपने बहुमूल्य जीवन को करें सुरक्षित। स्वास्थ्य विभाग में नियम विरुद्ध व्यापक स्थानांतरण के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने पर 26 से 30 जुलाई तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को सिद्ध करेंगी बांस की राखियां। पूरे प्रदेश में पहली बार गोरखपुर में बनाई जा रही हैं बांस की राखियां। प्रायोगिक तौर पर 1,00,000 रुपए कीमत की राखियां बनवाने का है लक्ष्य। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर गोरखपुर में आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार में भी लगाई जाएगी बांस की राखियों की प्रदर्शनी। परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए कंडक्टर को ई टिकट मशीन का हुआ वितरण। शुरू हुआ कैशलेस टिकट काटने का कार्य। नहीं हो रही चेंज की कोई दिक्कत। नागरिक क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर रहे टिकट के पैसे का भुगतान। और सावन के दूसरे सोमवार को सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने चढ़ाया भगवान शिव को जल। मानसरोवर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। कहा सावन में व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामना होती है पूरी। अब खबरें विस्तार से। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जामिया नगर नथमलपुर में एक व्यक्ति को 5 अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डंडों से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोरखनाथ पुलिस ने इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान मेराजुल हक के रूप में हुई है, जो कि गोरखनाथ थाने का हिस्ट्री शीटर है। परिजनों से किसी से पुरानी रंजिश व विवाद का पता लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 4 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तभी 5 अभियुक्तों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसको पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमलावरों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं,
जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अपने घर से निकल के जा रहा था, घर से थोड़ी दूर पर 5 अज्ञात लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया। उसको लाठी डंडों से उसके सिर पे वार किया गया। उसकी वजह से उसको रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ये व्यक्ति मेराजुल हक नाम से हिस्ट्री सीटर है और इस पर कई प्रकार के मुकदमे थाना गोरखनाथ में दर्ज हैं एवं इसके परिजनों से बात कर पता लगाया जा रहा है कि किसी प्रकार की रंजिश तो नहीं है एवं आसपास में जितने भी CCTV हैं उन सबको खंगाला जा रहा है एवं 3 टीमें लगाकर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। खजनी पुलिस ने ग्राम मऊधर मंगल में हुई घटना में नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के मऊधर मंगलपुर में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी डंडों के साथ ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति नाजुक जानकर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है जो कि खतरे से बाहर है। जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि खजनी थाना क्षेत्र के 2 पक्षों के बीच में रविवार को विवाद हो गया था। इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके संबंध में खजनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था तथा अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, क्योंकि जो अभियुक्त है वह सरकारी कर्मचारी है। उनके विभाग को भी इस संबंध में सूचना भेजकर अवगत करवाया जा रहा है, जिससे उन पर विभागीय कार्रवाई हो सके। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त को सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षु केंद्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान भगवान दास उर्फ मुन्ना पुत्र राम सेवक निवासी मऊधर मंगल थाना खजनी के रूप में हुई है, जिसको जेल भेज दिया गया है। जल्द ही वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, थाना खजनी में 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक वीडियो भी जिस संबंध में वायरल हुआ था, उसमें जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया है, साथ ही साथ जो इसमें मुख्य अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके विभागों को भी इस संबंध में सूचना भेजी जा रही है ताकि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी हो। जो बाकी वजह अभियुक्त है उसके लिए टीम लगी हुई है, जल्द ही उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने गोरधुइया नाले के सफाई के कार्यों के प्रगति पर कहा कि गोरधुइया नाले के गंदे पानी को साफ करके ताल में गिराया जाएगा तथा 20 मीटर चौड़ा नाली को बनाया जा रहा है, जो कि 10 किलोमीटर का बन रहा है। इसके अगल बगल नागरिकों के टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है। प्रयास है कि जो भी गोरधुइया नाले से रामगढ़ ताल में पानी गिरे वह पानी स्वच्छ हो, जिससे रामगढ़ ताल में जलकुंभी की समस्या ना रहे। उन्होंने कहा, गोरधुइया नाले का 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली पाइपलाइन के माध्यम से जितने भी वेस्ट हैं और जो स्ट्रॉन्ग वाटर है सबको STP प्लांट में लाके दोबारा उसको नाली में रिडायरेक्ट कर किया जाएगा। कुल ये जो सोर्स पॉइंट है वहाँ पे नियरली 10 मीटर चौड़ा नाली होगा और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ये लगभग अराउंड 20 मीटर चौड़ा नाली है और इसके दोनों तरफ नियर अबाउट 3.75 मीटर्स का रोड होगा और नियर अबाउट 0.75 मीटर्स का वॉकिंग ट्रैक होगा।
तो यही प्रोजेक्ट है, रामगढ़ ताल की कनेक्टिविटी रहेगी इसमें। इंश्योर ये किया जाएगा जो पानी वहाँ पे डिस्चार्ज हो वो लगभग क्लीन वाटर हो, ताकि वहाँ पे रामगढ़ ताल में बहुत ज़्यादा जलकुंभी की समस्या ना रहे इस कारण। और ये लगभग अराउंड 975 करोड़ के आसपास का। इसके अतिरिक्त जो अलग से सीवर लाइन्स बिछेंगे उसकी एस्टिमेट अलग से गणना की जाए। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय चौराहे के पास प्रशासन द्वारा संचालित बस स्टैंड पार्किंग का निरीक्षण किया गया। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि स्टैंड के ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि स्टैंड के आसपास किसी भी प्रकार के जाम की स्थिति न हो तथा सभी कार्य पर लगे कर्मचारियों के पास आईडी कार्ड होना आवश्यक है तथा बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाएं दें एवं रेट लिस्ट का बोर्ड लगवाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें। अगर कोई बिना रसीद पर्ची के निर्धारित दर से ज्यादा शुल्क लेता है तो उसके ऊपर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ कैन श्याम देवबिंद, कैन प्रभारी एवं यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कोई भी आपत्ति आज मेरे द्वारा एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ कैंट और इंस्पेक्टर कैंट के साथ जो है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस के बगल में खाली पड़ी जमीन वाले पार्किंग एरिया का निरीक्षण किया गया और संचालक ठेकेदार को बताया गया कि आपके सहयोग करने वाले कर्मचारी जो है वो सभी आई कार्ड धारण करें और सभी गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से अंदर पार्किंग एरिया में लगाएं और वहां पे बेसिक सुविधाएं डेवलप करें और सड़क पर गाड़ियों को पार्किंग ना होने दें, सड़क पर गाड़ियों के लिए पार्किंग ना होने दें और गाड़ियों से अंदर ही पार्किंग शुल्क वसूल करें नियमानुसार। जो आपको शर्तें दी गई उन सभी शर्तों का पालन करें, शर्तों का पालन ना करने की स्थिति में आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जो कर्मचारी आपके लगे उनकी सूची उपलब्ध कराएं। सीडीओ संजय कुमार मीना ने जिला अस्पताल व महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ ने जिला अस्पताल पहुंचते ही ड्यूटी रजिस्टर को चेक किया एवं अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के लिए सीएमओ को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारी सही स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक वेतन रुका रहेगा। उसके बाद सीडीओ महिला जिला अस्पताल पहुंचे, वहां पर एसआईसी के चैम्बर का निरीक्षण किया। वहां पर एसआईसी अनुपस्थित गई जिस पर सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर को चेक किया और हर ओपीडी रूम का भी निरीक्षण किया और अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोका। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, रमेश सर जी वैक्सीन लेने गया हाँ सर, ये कंटिन्यू कर सकता है बीमार हो गए हैं सर।
सर पवन का और डॉक्टर का अरेंजमेंट भी सर हम तभी कर पाएंगे जब चिकित्सक हमारे यहाँ तैनात होंगे। 269 चिकित्सक के सापेक्ष हमारे पास 130 चिकित्सक हैं सर। कोई दो तो रिलीफ नहीं किया हो जाता था, अभी रिलीफ नहीं किया। कल चलाएंगे तो अब तक 15 दिन से यह हाल है। मैं वही कहा है हॉस्पिटल से एयरपोर्ट का त्रिपाठी जी बोला दो तक ट्रांसफर हो गया केवल एक बचे एक आदमी 35-40 अल्ट्रासाउंड डेली कर पाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। जो मेन पर्पस था निरीक्षण का वो था कि उपस्थिति देखी जाए कि कितने कर्मचारी टाइमली हमारे अपने कार्यालय में उपस्थित होते हैं। तो उसमें काफ़ी लोग अनुपस्थित पाए गए हैं जिनका वेतन बाधित करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया जाए। कमियां निरीक्षण में केवल अभी उपस्थिति को लेकर था, तो जो अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो छोटी मोटी कमियां उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सर आयुष्मान वार्ड का भी निरीक्षण किया जिसमें कर्मचारी अनुपस्थित थे, उसमें क्योंकि आज कैंप लगाया गया जैसा CMO साहब बता रहे थे तो सभी लोग अपने कैंप पर उपस्थित हैं, इसलिए वो यहाँ पर अनुपस्थित हैं।
शाहपुर पुलिस ने नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को श्रीराम चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान बादल चौहान पुत्र स्वर्गीय अर्जुन चौहान निवासी जंगल शालिक राम कलेक्ट्री टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, अपने रक्षक संतोष सिंह, हेड कांस्टेबल उदय प्रताप सिंह, कांस्टेबल उमा शंकर यादव शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जामिया नगर नथमलपुर में हिस्ट्री टीचर की 5 अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर की गई हत्या। एसपी सिटी ने कहा घटना के खुलासे के लिए बनाई गई है 3 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम मऊधर मंगल गांव में हुई घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त भगवान दास को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी ने कहा वांछित अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। गुड़धुइया नाले का तेजी से करवाया जा रहा है कार्य। नाले के दोनों तरफ नागरिकों को टहलने के लिए बनवाया जा रहा है वॉकिंग ट्रैक। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय चौराहे के पास प्रशासन द्वारा संचालित बस स्टैंड पार्किंग का किया निरीक्षण। स्टैंड के ठेकेदार को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने जिला अस्पताल व महिला जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, चेक किया ड्यूटी रजिस्टर, अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन किया बाधित। एक किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त बादल चौहान को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज का लगवाया गया कैंप। अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगवा कर अपने बहुमूल्य जीवन को करें सुरक्षित। स्वास्थ्य विभाग में नियम विरुद्ध व्यापक स्थानांतरण के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने पर 26 से 30 जुलाई तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को सिद्ध करेंगी बांस की राखियां। पूरे प्रदेश में पहली बार गोरखपुर में बनाई जा रही हैं बांस की राखियां। प्रायोगिक तौर पर 1 लाख रुपए कीमत की राखियां बनवाने का है लक्ष्य। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर गोरखपुर में आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार में भी लगाई जाएगी बांस की राखियों की प्रदर्शनी। परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए कंडक्टर को ई टिकट मशीन का हुआ वितरण। शुरू हुआ कैशलेस टिकट काटने का कार्य। नहीं हो रही चेंज की कोई दिक्कत। नागरिक क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर रहे टिकट के पैसे का भुगतान। और सावन के दूसरे सोमवार को सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने चढ़ाया भगवान शिव को जल। मानसरोवर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। कहा सावन में व्रत रख कर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामना होती है पूरी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आप
को गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए, 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में न्यायालय परिसर में कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देश पर कोविड के रोकथाम के लिए न्यायालय के चिकित्सालय में बूस्टर डोज लगाने का कैंप लगाया गया, जिसमें जिन अधिवक्ताओं को दोनों डोज लग चुके हैं और दोनों डोज के बाद एक बूस्टर डोज लगवाना होता है, इसी उपलक्ष्य में अधिवक्ताओं और न्याय अधिकारी को बूस्टर डोज लगाया गया। उन्होंने नागरिकों एवं अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का कोविड का दोनों डोज लग चुका है और अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगा है, वह जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाकर अपने बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, ये बताइए ऊपर से लग जाएगा? 9 6 9 प्रोविजन था हमको।
मर्डर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री तेज प्रताप तिवारी जी के निर्देशानुसार बूस्टर कोविड 19 रोकथाम के लिए जिन अधिवक्तागणों को और न्यायिक अधिकारियोंगणों को दोनों डोज लग चुके हैं उसके अतिरिक्त एक बूस्टर डोज लगवाने का निर्देश प्राप्त हुआ है और वो आज ये 24 कक्षीय न्यायालय में स्थित चिकित्सालय में अधिवक्तागणों और न्यायिक अधिकारीगणों को बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। अभी तक 20% लोगों को लग चुका है और जिसमें 6 न्यायिक अधिकारीगणों को भी लगाया जा चुका है। अभी तक नहीं लगवाया है बूस्टर डोज, उनसे क्या जी जो अधिवक्तागण अभी बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं वो शीघ्र बूस्टर डोज लगवाकर अपने बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित करें। जो कोविड 19 महामारी है उसको देखते हुए बूस्टर डोज लगवाना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय के नेतृत्व में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर स्वास्थ्य विभाग में व्यापक स्थानांतरण नियम विरुद्ध के विरोध में धरना प्रदर्शन किया तथा सीएमओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में विपरीत कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 26 जुलाई से 30 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष बीपी सिंह, जिला मंत्री डीके सिंह, उमेश कुमार पांडे, सुरेश कुमार चौधरी, सोनबाला सोनकर, नंदलाल जी, गीतांजलि मौर्य, अनुप श्रीवास्तव, राजनाथ सिंह, सरिता यादव, नीलम, राकेश पाठक सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा मैं दुर्ग विजय जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। ये स्थानांतरण नीति के तहत जो विपरीत स्थानांतरण नीति के विपरीत जो कार्य हुए हैं, जो स्थानांतरण कर दिए गए हैं, जैसे दाम्पत्य जो शासनादेश होता है, विकलांगों का जो होता है, सबको जो दो साल से नीचे उनका रिटायरमेंट हो गया था उनको भी ट्रांसफ़र, मतलब लगभग जितने अधिक से अधिक ट्रांसफ़र जो हुए हैं वो शासनादेश के विरुद्ध हुए। सरकार की चूँकि मंशा थी कि शासनादेश के तहत साफ और सुथरी और स्वच्छ तरीके से सरकार को
को नेतृत्व में अच्छी छवि बनाई जाए, लेकिन उसके विपरीत यह कार्य किया गया है। निश्चित रूप से उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में 20 तारीख से 24 तारीख तक हम लोग काला फीता बांध करके कार्य किए हैं। उसके बाद 25 को एक दिवसीय धरना आज पूरे प्रदेश में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर माननीय CMO द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित होगा। उसके बाद अगर मेरी बातें नहीं मानी जाती है तो 26 से 30 तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। PM मोदी और CM योगी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को सिद्ध करने में गोरखपुर में वन विभाग की पहल पर बनवाई जा रही बांस की राखियां भी योगदान देंगी। इको फ्रेंडली ये राखियां महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का भी आधार बन रही हैं। एक नवाचार के रूप में प्रदेश में पहली बार बांस की राखियां बनवाई जा रही हैं। नेशनल बंबू मिशन के तहत कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर में स्थापित सामान्य सुविधा केंद्र CFC से संबद्ध स्वयंसेवी समूह की महिलाओं द्वारा इस रक्षाबंधन पर्व के पहले 1,00,000 रुपए की कीमत की राखियों को बनाकर बिक्री हेतु उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। इसके लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रमों व योजनाओं से महिलाओं को जोड़ रही है। ऐसी ही एक योजना नेशनल बंबू मिशन भी है। यह मिशन ग्रामीण महिलाओं को बांस के उत्पाद बनाने के कार्य से जोड़कर उन्हें रोजगार का मंच उपलब्ध करा रहा है। नेशनल बंबू मिशन के तहत कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर में एक सामान्य सुविधा केंद्र CFC की स्थापना की गई है। यहाँ महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें बांस के खिलौने गिफ्ट आइटम ज्वेलरी आदि बनाने में पारंगत किया गया है। अब CFC से संबद्ध स्वयंसेवी समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार बांस के उत्पादों को बेहतर बाजार भी मिलने लगा है। गोरखपुर के प्रभागीय वन अधिकारी DFO विकास यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रायः कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। नवाचार को लेकर ही यह ख्याल आया कि बंबू मिशन की CFC में बांस की इको फ्रेंडली राखियां बनवाई जा सकती हैं। इससे लोगों को पर्यावरण के अनुकूल राखियों का विकल्प मिलेगा और बनाने वाली महिलाओं की आमदनी भी बढ़ेगी। समूह की महिलाओं से बात हुई तो वह DFO के विचार पर अमल करने को तैयार हो गई। उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया गया और शुरू हो गया बांस की राखियों को बनाने का सिलसिला। महिलाओं को बांस के सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण तो मिला है, लेकिन प्रदेश में पहली बार बन रही बांस की राखियों की डिजाइन उनकी खुद की है। लक्ष्मीपुर CFC पर राखी बनाने के काम में जुटी बिंदु देवी, राजमती, झिनकी, मीना, मीरा, शीला, संजू और अंजू बताती हैं कि मोबाइल पर राखियों की डिज़ाइन देखने के बाद उन्होंने कुछ परिवर्तन कर बांस से बनने वाली राखियों के लिए डिज़ाइन तैयार की। दर्जन भर से अधिक राखियों की डिज़ाइन तय की गई और उसके अनुरूप लगातार काम जारी है। महिलाओं के उत्साह को देखते हुए इस रक्षाबंधन के पहले तक कुल 1,00,000 रुपए की कीमत की राखियों को बिक्री हेतु उपलब्ध कराने की तैयारी है। DFO विकास यादव बताते हैं कि बांस की राखियां चिड़ियाघर में नेशनल बंबू मिशन के स्टॉल पर प्रदर्शनी व बिक्री के लिए रखी जाएंगी। इसके साथ ही 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल सेमिनार में भी इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। चिड़ियाघर के स्टॉल में ये राखियां रक्षाबंधन के बाद भी अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेंगी, ताकि अगले साल के पर्व के पूर्व तक इसकी खासी मांग उपलब्ध हो सके। बांस की राखियों के बाजार में आने से पूर्व बांस के गहने, श्रृंगारदान, नाइट लैम्प, पर्दे, नेकलेस, इयररिंग, फ्लावर स्टैंड, खिलौने आदि बनाने पूरी दक्षता हासिल करने वाली महिलाओं का समूह चिड़ियाघर के आउटलेट से प्रतिमाह 30 से 35,000 रुपये प्रतिमाह की कमाई कर रहा है।
गोरखपुर डिपो और राप्ती नगर डिपो में कंडक्टर्स को ई टिकट मशीन का वितरण हुआ। आपको बता दें कि इस मशीन के माध्यम से बैंकों के स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अलावा गूगल पे, फोन पे, भीम फोन से पेमेंट लिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से शुरू होने से पैसेंजर्स को काफी सहूलियत मिलने लगी है। अब उन्हें टिकट के लिए कैश पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं और जो छुट्टे की परेशानी रहती है वह भी समाप्त हो गई है। यह मशीन पूरा एंड्रॉइड फोन की तर्ज पर काम करती है। रीडिंग की समस्या के बारे में एक्सपर्ट के मुताबिक नई ई टिकटिंग मशीनें तेजी से कार्ड को रीड कर रही हैं। इस मशीन में चिप लगी हुई है। इसकी तकनीकी मोबाइल तकनीक से भी तेज है। इससे पहले उपयोग की जा रही मशीनों और नई टिकटिंग मशीनों में यह एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जिसके संबंध में परिवहन निगम के ARM महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि एंड्रॉइड ई टिकटिंग मशीन का ट्रायल पूरा होने के बाद गोरखपुर डिपो और राप्ती नगर डिपो के सभी कंडक्टर्स को मशीन मुहैया करा दी गई है। अब बसों में कैशलेस की सुविधा पैसेंजर्स को मिलने लगी है, जिसकी निगरानी के लिए दो एक्सपर्ट को लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के कंडक्टर्स और ARM महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, आप बताइए जनाब भाई साहब। हेलो, मिल जाएगा बस में ठंडा पानी यहाँ पर था, पानी जाएगा ठंडा मिलेगी, गर्म हो गया। पीछे 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 निकाल, पीछे सर की ब्राइटनेस बढ़ा दें इसका। आइए तब तक कोई रूट लग नहीं पाता, आप पहले एक रूट यह बार चाहे चार बार चेंज कर सकते। राजेश शर्मा मेरा नाम है, महाराजगंज डिपो में ड्यूटी करते हैं। इस मशीन में एक खासियत है कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, कार्ड भी ले सकता है और टिकट बनाने में बहुत इजी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था कैश पेमेंट लेने में। अब तो इसमें हर व्यवस्था है, हर सुविधा है, ओनली डिजिटल मशीन है पूरी। अब पहले मैनुअल बनाना पड़ता था हाथ से टिकट, बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब मशीन आया है, बहुत बढ़िया टिकट बनाने का काम है। मशीन है किस तरह से कार्य कर रही है, क्या खूबियाँ हैं इसकी? देखिए, पहले भी मशीन हमारे यहाँ ATM थी, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन थी, उसमें कैशलेस की सुविधा नहीं थी। टिकट बनाने के बाद टिकट तो ATM से दिया जाता था, टिकट बनाने के बाद चेंज का दिक्कत रहता था, यात्री देते नहीं थे, परिचालक के पास भी मौके पर रहता नहीं था। अब उसको ऑनलाइन करा दिया गया, इसमें आप भीम से, पेटीएम से, गूगल से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चेंज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सारे रूट पे मशीन है, सारे रूट पे दिया जा रहा है, और सारे रूट पे जहाँ पे मशीन है वहाँ पे ये सुविधा है, बशर्ते नेट का प्रॉब्लम ना हो। आगे भी सर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? पहले यही दो हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सावन के दूसरे सोमवार को गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर पर श्रद्धालुओं ने बारी बारी से भगवान शिव को जल चढ़ाया। आपको बता दें कि मानसरोवर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था तथा जगह जगह पर पुलिसकर्मी व केंद्र सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके संबंध में मानसरोवर मंदिर के पुजारी आचार्य रमेश त्रिपाठी ने बताया कि सावन माह का दूसरा सोमवार है। सावन के माह के विशेष सोमवार को बाबा शंभू का मानसरोवर मंदिर में जो लोग जाप करते हैं
उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मानसरोवर मंदिर हजारों साल पुरानी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। इस मंदिर में जो एक बार आता है वह हर बार आता है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव को प्रसाद के रूप में मदार, पुष्प, फल, गाय का दूध, घी आदि भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरे सावन भगवान शिव का महीना चलता है, लेकिन सोमवार का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। सोमवार को महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा पाठ, रुद्राभिषेक करती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र तथा दूध चढ़ाकर उनका पूजा अर्चना किया जाता है। उन्होंने बताया कि सावन में महिलाएं 5 सोमवार निर्जल व्रत रहती हैं। सोमवार का व्रत रहने से बहुत ही अच्छे गुणवान पति मिलते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर में पूजा करने आई महिला, श्रद्धालुओं एवं मानसरोवर मंदिर के पुजारी आचार्य रमेश त्रिपाठी ने कहा, बविता। सावन महीने हम लोग का यहाँ पर बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सावन तो सावन में तो और अच्छा लगता है। यहाँ बाबा साक्षात एकदम दर्शन देते हैं बिल्कुल, और यहाँ की महिमा बहुत ज़्यादा है। सावन तो शंकर भगवान जी का पूरा दिन है, पूरा सावन ही शंकर भगवान जी का है। बस मानसरोवर मंदिर है, पहले मंदिर के बारे पहले जो पुरानी मंदिर थी वहाँ भी ऐसे ही, यहाँ पर हम लोग की आस्था थी और आज भी वैसी ही आस्था है यहाँ पर। यहाँ पर सब मनोकामना पूरा करते हैं भगवान और बिल्कुल साक्षात दर्शन देते हैं। सुनीता पानी है यहाँ, सभी लोग माना जाना मंदिर है, बहुत भीड़ होता है यहाँ। कराया होगी उनके लिए, क्या करेंगे, हुआ है मंदिर का? हाँ यहाँ हुआ तो था, अच्छे से हुआ था, भीड़ भी था। सावन चल रहा है, क्या होता है सावन? सावन में क्या? सावन में पूजा होता है और क्या, मतलब दिन दिन रात क्या क्या चढ़ाया जाता है भगवान को? अरे वही भांग, धतूरा, बेलपत्र, यही सब तो चढ़ाया जाता है। महत्व मानता है, सोमवार के दिन ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सभी लोग व्रत रहते हैं, सब पूजा करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम आकर। सिद्धि गुप्ता,
देखिए सावन का एक महीना चलता है, जिसके अवसर पे हम हर दिन भोले जी को पूजा पाठ अर्चना सब करते हैं, लेकिन सोमवार का ज़्यादा महत्व है यहाँ पे। सोमवार को महिलाएं व्रत रहती हैं, पूजा पाठ अर्चना रुद्राभिषेक वगैरह कराती हैं, तो इस वजह से सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व। अब मानसरोवर पर देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, पहले तो इसको कोई पूछता नहीं था। जब से हमारे महाराज जी का यहाँ पे आशीष वचन पड़ा है और जीवोद्धार कराए हैं, तब से ये प्रांगण बहुत सुशोभित हो गया है और यहाँ पे आने में मनोहर दृश्य देखने को मिलता है। बैठते हैं महिलाएं यहाँ पे, आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, बैठती हैं, टहलती हैं, घूमती हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आप खुद भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। क्या क्या चढ़ता है भोले बाबा? भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ता है, कुछ लोग दूध से अभिषेक कराते, कुछ जल चढ़ाते हैं, इस तरह से फल फूल चढ़ा करके उनका पूजा अर्चना किया जाता है। जी बिल्कुल रखती हैं, जी जी 5 सोमवार रहती हैं, बिना कुछ खाए पिए रहती हैं बहुत लोग निराजल रहती हैं, बहुत लोग तो फल खा करके ही रहती हैं। इसमें शाम में नमक नहीं खाया जाता है और ऐसे ही व्रत, मैं भी व्रत हूँ, मैं भी सोमवार का ही व्रत रखती हूँ जी। हाँ, ये का मान्यता है कि सोमवार का व्रत रहने से पति बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत मतलब गुणवान पति मिलते हैं, ये भोलेनाथ जी की कृपा है, वो तो महिमा है उनकी ये सब, इसीलिए महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, बच्चियाँ भी रहती हैं, सभी रहते हैं। प्रिया पांडे, सावन के महीना में पूजा किया जाता है और शंकर जी को शंकर जी को पूजा करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। क्योंकि कुंवारी लड़कियाँ इसलिए करती हैं कि उनको अच्छा पति मिले भोले नाथ जैसा। अनुराधा श्रीवास्तव, सावन का महीना तो समझिए कि हम लोग के लिए पूछिए नहीं, जैसे घर पे तो शंकर जी का डेली पूजा होता है, लेकिन यहाँ का तो कुछ और ही नज़ारा है। हाँ, बस पति प्यार करे और लंबी उम्र हो, बस व्रत इसी के लिए, मेरा व्रत इसी के लिए है कि मेरे पति खूब ज़्यादा प्यार करे और उनकी उम्र लंबी हो। यहाँ अभी हमको लग रहा है 3 साल से। आचार्य रमेश त्रिपाठी, गोरख मंदिर। ये सावन का माह दूसरा सोमवार है, इस सावन के माह के दूसरे सोमवार को भगवान शंभु बाबा मानसरोवर के नाथ के सामने रुद्राभिषेक जो लोग करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मन उनका नाम है मानसरोवर, मन को हर मन को मुरादे को पूर्ण करने वाला, हर मन को सिद्ध करने वाला। यह मानसरोवर मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है कि यहाँ बाबा गुरु गोरक्षनाथ पूजा किए हैं, फिर दुग्विजयनाथ, अवैधनाथ, जितने संत नाथ संपदा है आते हैं और परम पूज्य उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यशस्वी जी हैं, जो सावन के पहले दिन अभिषेक किए हैं और 300 दिन उनका अभिषेक होता रहता है यहाँ पे, और प्रत्येक दिन हर भक्त देखे लाइन से लगे हैं, जो एक बार यहाँ पे आता है वह बार बार यहाँ आता है, उनका हर मनोकामना सिद्ध होता है। यहाँ लमसम में धीमे लाखों लोगों की लोग आकर दर्शन करते हैं, सोमवार के दिन तो 50 से 70 हज़ार 80 हज़ार लाख भी चले जाते हैं लोग, सुबह 3 बजे से ही लाइन लग जाती है। प्रशासन की तरफ से पुलिस मैटी वायर लगाए गए हैं, स्वच्छ वायर लगाए हैं, 2 थानाएँ पुलिस लगी हैं, पुलिस चारों तरफ से स्वच्छ वायर लगी हुई है, 3 बजे लोग आकर 2 बजे रात से ही लग जाते हैं, सुबह स्वच्छ लग जाते हैं। क्या क्या चढ़ाया जाता है भोले बाबा? भोले बाबा को मदार, पुष्प, फल, गाय का दूध, मधु, घी, अंगूर का जूस, तेल अभिषेक, मतलब अनेक प्रकार दूध से मनोकामना के लिए, गन्ना के जूस से विद्या के लिए, कुछ जल से रोग नाश के लिए, और आपका जैसे मतलब हर कार्य के लिए सिद्ध के लिए हर चीज़ें बनाई जाती है, अनेकों प्रकार के जल होते हैं, बल्कि दूध से उसमें विशेष करके अभिषेक करते हैं तो मनोकामना हर प्रकार सिद्ध होता है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जामिया नगर नथमलपुर में हिस्ट्री टीचर की 5 अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डंडों से मार पीट कर की गई हत्या। एसपी सिटी ने कहा घटना के खुलासे के लिए बनाई गई है 3 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम मऊधर मंगल गांव में हुई घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त भगवान दास को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी ने कहा वांछित अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। गोरधैया नाले का तेजी से करवाया जा रहा है कार्य, नाले के दोनों तरफ नागरिकों को टहलने के लिए बनवाया जा रहा है वॉकिंग ट्रैक, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी।
एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय चौराहे के पास प्रशासन द्वारा संचालित बस स्टैंड पार्किंग का किया निरीक्षण। स्टैंड के ठेकेदार को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने जिला अस्पताल व महिला जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। चेक किया ड्यूटी रजिस्टर, अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का एक दिन का वेतन किया बाधित। एक किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त बादल चौहान को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज का लगवाया गया कैंप। अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगवा कर अपने बहुमूल्य जीवन को करें सुरक्षित। स्वास्थ्य विभाग में नियम विरुद्ध व्यापक स्थानांतरण के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने पर 26 से 30 जुलाई तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को सिद्ध करेंगी बांस की राखियां। पूरे प्रदेश में पहली बार गोरखपुर में बनाई जा रही हैं बांस की राखियां। प्रायोगिक तौर पर 1,00,000 रुपए कीमत की राखियां बनवाने का है लक्ष्य। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर गोरखपुर में आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार में भी लगाई जाएगी बांस की राखियों की प्रदर्शनी। परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए कंडक्टर को ई टिकट मशीन का हुआ वितरण। शुरू हुआ कैशलेस टिकट काटने का कार्य। नहीं हो रही चेंज की कोई दिक्कत। नागरिक क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर रहे टिकट के पैसे का भुगतान। और सावन के दूसरे सोमवार को सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने चढ़ाया भगवान शिव को जल। मानसरोवर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। कहा, सावन में व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामना होती है पूरी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।